और गाइस यहाँ पे आप एक बार व्यू देखिए, और भाई साहब कलर देखिए, बारिश की वजह से पानी की लेवल कितनी ज्यादा ऊपर चली गई है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे आप सभी लोग? तो आज की संडे और आज हमारा प्लान था वापस से कॉलेज जाने का, लेकिन दो तीन से कंटिन्यूसली बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, तो इसकी वजह से जो मेन हाईवे है NH44 वो काफी जगह पे ब्लॉक हो गया है, तो आज हम नहीं जा पाएंगे। तो आज का प्लान हम कैंसिल करते हैं, कल हम देखेंगे, अगर रोड क्लियर होगा तो हम कल जाएंगे। आज हम घर पे ही है तो देखते हैं, अगर घर पे कुछ काम करना होगा तो वो हम कर लेंगे आज। तो अम्मी ने अभी हमें कुछ काम बोला है, तो सबसे पहले हमें जाना है दुकान पे और वहाँ से रोटी लानी है, फिर उसके बाद हमें चाय जो है वो ले जानी है खेत पे, क्योंकि वहाँ पे मजदूर काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं बाइक को कर लेता हूँ स्टार्ट, इसी के ऊपर जाएंगे, क्योंकि पैदल काफी ज्यादा टाइम लगेगा वहाँ पे पहुँचने में। तो लो जी, मैं पहुंच चुका हूं दुकान पे, यहां से मैं रोटी लूंगा और 100 रुपए की यहां पे मैं रोटी लूंगा, क्योंकि दो टाइम पे हमें उनको चाय देनी है। तो गाइस यहां पे आप देख ही सकते हैं बारिश की वजह से पानी की लेवल कितनी ज़्यादा ऊपर चली गई है। इस नदी के अंदर पहले तो बहुत कम पानी हुआ करता था, लेकिन आज आप देख ही सकते कितना पानी। अब सोनू काम करेगा, इसके अंदर कूद जाएगा। सोनू तो लगा, उठ सोनू, कूद जा, देखते हैं तेरा क्या होता है। एक बार, बस एक बार सोनू। और गाइज ये रहा रास्ता जो कि हमारे खेत की तरफ जाता है। अभी ये रास्ता कच्चा ही है, थोड़ा बहुत टाइम लगेगा इसको पूरा बनने में, और कल रात को ही बारिश हो गई थी, तो उसकी वजह से बहुत सारी जगहों पे यहाँ पे पानी भी जमा हो चुका है, और जो रोड है वो भी काफी आपको यहाँ पे खराब दिख रहा होगा। और यहाँ का आप रोड देख ही सकते हैं जो खेत की तरफ रोड जाता है। मैं गवर्नमेंट से अपील करता हूँ कि इस पर मैगडम लगाया जाए, ये बहुत ही खराब है। हाँ, बारिश के मौसम में और ज्यादा खराब हो जाता है। और अब आप लोग ये व्यू देखिए, सामने आपको पहाड़ दिख रहे होंगे, कितने ज्यादा यहाँ पे खूबसूरत दिख रहे हैं। और आगे अब कीचड़ का बड़ा गड्ढा आने वाला है। कल शाम को जब मैं इधर आया था तो यहाँ पे पूरा पानी से भरा हुआ था, अभी वो पानी जो है वो निकल चुका है। ये रही छोटी सी नदी, छोटी सी नदी। ये रहा हमारे कजन का हाई डेंसिटी बाग, इसको मैं आपको दिखाऊंगा बाद में। तो गाइज अभी हम आ चुके हैं खेत पे, यहाँ पे हम चाय लाए हैं। पापा और दूसरे जो आदमी है वो काम कर रहे हैं खेत में, उनके लिए हम चाय लाए हैं। तो अभी हम बाइक को यहाँ पे पार्क कर देते हैं। ये रखिए यहाँ पे हमने बाइक, और हमें वहाँ पे जाना है। ये रहे हमारे खेत यहाँ पे, जहां तक आपकी नजर जाती है, ऊपर ऊपर से बिल्कुल नीचे तक जहां तक आपकी नजर जाएगी, ये हमारे खेत है यहाँ पे। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी। यहाँ से हमें जाना है वहां पर, ये है रास्ता, छोटा सा ही है। आराम आराम से चलना पड़ता है यहाँ पे, क्योंकि अगर थोड़ी सी भी यहाँ पे इधर उधर गिर गए तो सीधे खेत में जाएंगे, कपड़े सारे खराब हो जाएंगे फिर इससे। तो यहाँ पे एक्चुअली ये हो रहा है कि जो राइस प्लांट्स के बीच में अनवांटेड घास उग गई है उसको निकालना पड़ता है। दवाई भी इसके लिए आती है, लेकिन वो इतनी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होती है, इसको हाथ से निकालना पड़ता है, वरना फिर जो बाद में राइस निकलता है वो काफ़ी ज़्यादा खराब हो जाता है, तो इसलिए इसको निकालना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और कश्मीरी के अंदर इसको नींद करना बोलते हैं। और गाइज यहाँ पे आप एक बार व्यू देखिए, पहाड़ कितने ज़्यादा खूबसूरत यहाँ पे दिख रहे हैं, खेत, पहाड़, आसमान, सब कुछ बिल्कुल खूबसूरत दिख रहा है। गाइस यहाँ पर मैं खेतों से जा रहा था, तो मेरी नज़र यहाँ पे पड़ी इस चिड़िया के घोंसले के ऊपर, और ये ज़मीन पे पड़ा हुआ था, और इसके अंदर आप देख सकते हैं छोटे छोटे 3 अंडे भी यहाँ पे आप सबको दिख रहे होंगे, और अगर ये नीचे रह जाता तो कोई भी इसको तोड़ देता, तो इसलिए मैंने काम किया कि उसको पेड़ के ऊपर रख दिया, और इसके नीचे मैंने थोड़ी सी एक्स्ट्रा घास भी रख दी है, क्योंकि थोड़ा सा टूट गया था, और अब आप देख सकते हैं कैसा लग रहा है। और गाइस यहाँ पे मुझे ये भी देखने को मिले, जो आपको खेतों के अंदर छोटे छोटे ऐसे ब्लैक कलर की चीजें दिख रहे होंगे, ये है फ्रॉग के बच्चे, आप यहाँ पे देख सकते हैं पूरे खेत के अंदर यही फैले हुए हैं, फिर ये बड़े होके फ्रॉग बन जाएंगे।
तो गाइज अभी मैंने पापा को यहाँ पे चाय दे दी है, अभी हम तो गाइज अभी हम वापस से चलते हैं घर। सबसे पहले यहाँ पे बाइक कुछ कर लेते हैं स्टार्ट। बाइक की चाबी कहाँ गई? ये रही बाइक की चाबी। और गाइस यहाँ पे निधु बोल रही है कि ये बाइक चलाएगी, बहुत ज्यादा जिद कर रही है, मान ही रही है, मान ही नहीं रही है, बोल रही मैं चलाऊंगी बाइक। और वापस आते वक्त हम कजिन के बाग पे भी गए थे जो उन्होंने नया हाई डेंसिटी बाग बनाया है। हम यहाँ पे एंटर कर गए हैं और यहाँ पे आप सेब देख सकती है कितने प्यारे लग रहे हैं। ये पेड़ इतने ही होते हैं और इन पे जो सेब लगे हैं आप इनका कलर देख ही सकती है। काफ़ी एक बड़ा बाग है, यहाँ पे आप देख ही सकती है, बहुत सारी लाइनें हैं इसमें। उधर इसकी आप लैंग्वेज देख सकती है, रेड देख सकती है, पूरा ऊपर तक है ये और सब में हाई डेंसिटी लगे है पेड़। और भाई साहब कलर देखिए, ये है कश्मीर के एप्पल, ऐसा माल आपको कहीं पर देखने को नहीं मिलेगा। तो गाइस यहाँ पे आप देख ही सकते हैं, बाइक को हमें ले जाना था अंदर लेकिन इन्होंने ऑटो यहाँ पे लगा दिया है, अब मैंने बाइक को यहाँ साइड पे खड़ा कर दिया है। तो गाइस अभी मैं जस्ट बैठा था तो वैसे की कॉल आती है मुझे कि कहीं पर घूमने के लिए जाते हैं, तो अभी मैं चलता हूँ बाइक पे। सबसे पहले हम बिजबैरा जाएंगे, वहाँ से उसको पिक कर लेंगे, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि हम कहाँ पे जाते हैं। तो गाइस अभी मैं पहुँच चुका हूँ बिजबैरा मेन मार्केट के अंदर। सबसे पहले मैं देखता हूँ कि ओएस कहाँ पे है, उसको पिक कर लेते हैं, फिर हम डिसाइड करते हैं कि कहाँ पे जाएंगे घूमने के लिए। और गाइस यहाँ पे हमारे पास डॉक्टर ओएस आ चुके हैं। कुत्ते का सवाल है वो तो हमने डिसाइड किया कि दारा शिकोह पार्क के अंदर आते हैं क्योंकि यही पास में लोकेटेड है और आप इसके यहाँ पे व्यू देख सकती है। काफी एक अच्छी पार्क है और काफी इसकी लेंथ वो भी काफी ज्यादा है। और ये रहा इसके अंदर का व्यू। तो गाइस यहाँ पे आप देख ही सकते हैं, ये है दारा शिकोह गार्डन, इसके मैंने आपको कुछ क्लिप्स यहाँ पे दिखाए हैं। बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे पार्क है, यहाँ पे डिफरेंट टाइप के यहाँ पे ट्रीज लगे है। ये है चिनाब ट्री, चिनार ट्री, इसके जो पत्ते हैं वो फिर लाल हो जाते हैं जब ऑटम सीजन आता है, तो उसके अंदर इसके पत्ते जो है बिल्कुल लाल हो जाते हैं, इसके लिए इसको चिनार बोला गया है। ऐसे ही बहुत सारे ट्रीज यहाँ पे है। तो काफ़ी ज़्यादा टाइम हमने यहाँ पे इस पार्क के अंदर स्पेंड किया और अभी हम इसके बाहर आए हैं। और यही रहा यहाँ पे बाहर का व्यू, जो आपको यहाँ पे बाहर ब्रिज दिख रहा है ये दूसरी पार्क में जाने के लिए है। जो रिवर है उसके जस्ट अपोजिट में एक और पार्क है, तो वहाँ पे अगर हमें जाना है तो हम इस ब्रिज से जा सकते हैं। फिर हम उसके बाद आए दूसरी लोकेशन पे जहाँ पे बच्चों के खेलने के लिए काफी ज्यादा चीजें अवेलेबल थी, तो हमने भी कुछ यहाँ पे चीजों को ट्राई किया और काफी ज्यादा मजा आया इन चीजों को करने में, जैसे अभी बिल्कुल ओएस बाइक को आ रहा है झूला झूलने में। फिर हम भी काफी ज्यादा भूख लग रही थी तो हम खाना खाने के लिए इस वाले रेस्टोरेंट के अंदर आ गए हैं और फिर हमने यहाँ पे ऑर्डर किया पिज्जा और काफी मजा आया उसको खाने में। और ये रहा इसके अंदर का व्यू। तो गाइस अभी मैं ओएस को घर पे ड्रॉप करके आ चुका हूँ, अभी मैं बिजबैरा पहुँच चुका हूँ और यहाँ पे आप रोड पे देख सकते हैं कितनी ज़्यादा यहाँ पे गाड़ियाँ चलती रहती है। अभी तो अभी मुझे और 10-15 मिनट लगेंगे घर तक पहुँचने में, तो मैं आपको सीधे मिलता हूँ घर पे। तो गाइस अभी मैं फाइनली पहुँच चुका हूँ घर, अभी बज चुके हैं नियरली 8 और घर पर काफ़ी ज़्यादा डांट भी पड़ी क्योंकि बहुत देर तक बाहर ही थे। तो अगर आपको आज का ये ब्लॉग किसी भी रीज़न से पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे कल एक नए ब्लॉग से, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।